डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, बाय डेफिनेशन अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नाउ व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तो इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है ताकि हमारे पास रिएक्शन को प्रोसीड किया जा सके, और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेल्सन सेल एंड डॉन सेल हमारे पास मोस्ट कॉमन एंड फेमस एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है जो कि इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 मोलर सोल्यूशन होता है एक्वस फॉर्म में या फिर मोल्टन फॉर्म में। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, तो याद रखिए कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पर जबकि रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यही वजह है कि यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किया गया है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिसिस अगर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा होता है, इसे जानने के लिए ज़रूरत है कि पहले हम जानें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर जो कंटेनर है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन यूज़ किया गया है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि या तो एक्वस फॉर्म में मौजूद होगा या मोल्टन फॉर्म में मौजूद होगा। मोल्टन का मतलब ये है कि पिघला हुआ, ठीक है, उस फॉर्म में मौजूद होगा, जिसकी वजह से ये इजीली आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट या स्प्लिट हो जाता है, और जिसकी वजह से अब यहां पर जो फ्री आयंस होते हैं इसकी वजह से ये इजीली हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन इज अ सब्सटेंस इन एक्वस और द मोल्टन फॉर्म, डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहां पर फॉर एग्जांपल हम 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हमें मालूम है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक, टेबल साल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये डिसोसिएट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, किसमें, आयंस में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में बना लेता है। सो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये जैसे ही हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस इज द डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम डीकम्पोज कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक्वस या मोल्टन फॉर्म में जो भी सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि इजीली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और यहां पर किस तरीके से डिसोसिएट करते हैं, हम डिसोसिएशन करते हैं इसकी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, मींस इलेक्ट्रिसिटी को पास करके जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड किया जा सके, और इस प्रोसेस में हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम इस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का मौजूद है इसको ईजिली ऑयंस में डिसोसिएट कर सकें, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस इज द डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टन और द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में से जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है ऑयंस में, और इस प्रोसेस को हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस इन अ मोल्टन और द एक्वस फॉर्म विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि इजिली डिसोसिएट हो जाए ऑयंस में, और जिस इसके ऑयंस में डिसोसिएट होने की वजह से ये इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट्स वाई हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इस केस में हमारे पास हमने 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट या नमक जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो होता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। जैसे ही हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम ऑयन एंड क्लोराइड ऑयन में। दैट्स वाई ये इजिली डिसोसिएट होने की वजह से ऑयंस में हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो ये सोडियम और क्लोराइड ऑयन में स्प्लिट हो गया या डिसोसिएट हो गया, और जिसकी वजह से जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, मीन्स डायरेक्ट करंट इसको प्रोवाइड की, तो ये प्रोसीजर जो था हमारे पास कंडक्शन या जो डीकम्पोजिशन था इलेक्ट्रोलाइट का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फास्ट हो गया। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बैटरी है। बैटरी को डायरेक्ट करंट को प्रोवाइड करने के लिए यहां पर यूज किया गया है। वायर अटैच है इस बैटरी के साथ, और ये वायर जो है टू इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ अटैच है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड है ये इट सेल्फ नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है दूसरा एनोड है। याद रखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एनोड पर पॉजिटिव जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होगा वो हमारे पास होगा एनोड पर जबकि रिडक्शन होगा हमारे पास कैथोड पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो सोडियम एंड क्लोराइड ऑयंस हमारे पास जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये क्या करेंगे, किस तरफ फ्लो करेंगे? तो याद रखिए कि सोडियम पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम ऑयंस पे, दैट्स वाई ये किसकी तरफ फ्लो करेंगे? टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मीन्स कैथोड की तरफ जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए क्लोराइड ऑयंस की तो क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जिसे एनोड कहा जाता है, और हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड में मौजूद सोडियम एंड क्लोराइड ऑयंस में से कौन से ऑयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से ऑयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। चलिए जानते हैं इसे कि हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास ईजिली डिसोसिएट हो जाता है सोडियम एंड क्लोराइड ऑयन में, तो कौन से ऑयन ऑक्सीडेशन और फिर कौन से ऑयन रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई ये मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, जबकि हमारे पास क्लोराइड आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी एनोड की तरफ। अब हमारे पास जो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो क्लोराइड आयन करेंगे। किस तरीके से क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, तो हमारे पास एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा ये क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन जाता है। तो यहां पर अगर 2 क्लोराइड आयन्स की बात की जाए, इट्स मींस कि दोनों क्लोराइड आयन्स ने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की वजह से क्या कर लिया, जैसे ही ऑक्टेट को कंप्लीट किया यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के साथ ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन को अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन करता है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास क्लोराइड आयन परफॉर्म करेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद क्लोराइड आयन जैसे ही हर क्लोरीन जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो हमारे पास एक क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 7। इसी तरीके से सेकंड जो क्लोराइड आयन होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एज अ रिजल्ट उसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इस तरीके से 2 क्लोरीन आयन्स 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो 7-7 क्लोरीन वाले एटम्स होंगे ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे ताकि अपने ऑक्टेट को अगेन कंप्लीट कर सके और एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Cl2 मीन्स डाई एटॉमिक हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड गैस बना देंगे, सॉरी क्लोरीन गैस फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरीके से जब क्लोराइड आयन्स एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि सोडियम जो होगा रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा एट कैथोड। किस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद जो हमारे पास सोडियम आयन है, अगर 2 सोडियम आयन्स की बात की जाए तो हमारे पास सोडियम आयन्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, मींस जैसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मींस यहाँ पर रिडक्शन हो रही होगी और हमारे पास सोडियम जो कि एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद 2 सोडियम आयन्स कन्वर्ट हो जाएंगे मेटालिक सोडियम की फॉर्म में और यहाँ पर जाके सोडियम सॉलिड सोडियम की फॉर्म में इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर जाकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन शो करेंगे। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में मौजूद है यहाँ पर कंटेनर में, जैसे ही इस पे से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमारे पास 2 सोडियम जो होते हैं सॉलिड की फॉर्म में जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएंगे, कैथोड पर अटैच हो जाएंगे, जबकि क्लोरीन हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में क्या करने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्लोरीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड।